ढाड़ी बाबा ओवर ब्रिज का निर्माण साल 2014 में शुरू हुआ था। इसके बाद इसके निर्माण में तमाम अवरोध आते रहे। करीब 44.31 करोड़ रुपए की लागत से बने इस ओवर ब्रिज से कानपुर और शुक्लागंज से लेकर उन्नाव जाने वाले लोगों को अब जाम से नहीं जूझना पड़ेगा। वहीं सफर में अब काफी कम वक्त भी लगेगा। सेतु निर्माण निगम ने इस पुल को तैयार किया है। देखिए हमारे संवाददाता शशांक अवस्थी की ये पड़ताल। मौजूद है कैंट के झाड़ी बाबा पड़ाव पुल पर, जिसे बनने में लगभग 7 साल का समय लगा है। इस पुल में अभी भी कई काम बाकी हैं, मगर डीएम नेहा शर्मा के आदेश पर इस पुल को खोल दिया गया है। इस दौरान यहां के लोगों को कितनी समस्याओं से जूझना पड़ा, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। उधर घूमता था, इधर साइकिल लिए जा रहा, उधर गाड़ी लिए जा रहा है। अब पुल बन गया है, बहुत अच्छा हो गया है। मतलब समय भी बचेगा आदमी, जहाँ 20 मिनट में पहुँचता था वहाँ 5 मिनट में पहुँचेगा। शुक्लागंज पहले नीचे जाते होते हम लोग, बहुत खराब, रिक्शा पलट जाता था हम लोग का। अब ये तो नहीं कि हम लोग नीचे चले जाए, हम लोग ऊपर से आते नीचे उतरे, यहाँ पर हुआ उतर जाते हैं, हमें चले जाते। रोड भी नहीं खराब, लेकिन नीचे रोड खराब है, उसकी सुविधा करानी चाहिए। टाइम बच जाता है हम लोगों को, ट्रैफिक का सामना नहीं करना पड़ता है बस काफ़ी ज़्यादा, और जो नीचे रोड खराब है उसका भी सामना नहीं करना पड़ता है। पुल की वजह से साइड की रोड बहुत ज़्यादा खराब थी। मैं पहले दिन इस पे जब चला हूँ तो मैंने इसकी वीडियो भी खींची है, और उस पे एक गाना डाला था, कुछ इस तरीके का था उसमें कि ऐसी खुशी कभी न मिली। आज से पहले, आज से ज्यादा, आज से पहले, आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली, सुहानी ऐसी मीठी, इतनी सुहानी ऐसी मीठी, घड़ी आज तक नहीं मिली आज से पहले। जहाँ एक तरफ इस पुल से गुजरने वालों ने अपनी राय रखी, वहीं बच्चों को क्या फायदा हुआ है, आइए देखते हैं। हम लोग को साइकिल चलाने का फायदा हुआ है। पहले क्या दिक्कत थी? पहले साइकिल चलाने में यहाँ पे गिरते थे और चोट लगती थी। अब नहीं गिरते हो? अब नहीं गिरते, अब यहाँ पे फायदा हुआ हम लोग को। तुमको क्या फायदा हुआ है? हमको ये फायदा हुआ है, हम साइकिल फान नहीं पाते थे, गिरते थे। अब मजे से फान चलाते हैं। आज से पहले, आज से ज्यादा, आज से पहले, आज से ज्यादा खुशी आज तक। जिस तरह से आपने सुना और देखा कि लोग जो कैंट में रहते थे या शुक्लागंज में, उनको कितना लाभ हुआ है इस पुल के चालू होने के बाद। कानपुर शहर में कई अन्य स्थान ऐसे भी हैं, कई अन्य चौराहे ऐसे हैं जहां पर अभी भी जाम से लोग जूझ रहे हैं और जहां ओवरब्रिज की काफ़ी आवश्यकता है। वीडियो जर्नलिस्ट बीरेन सिंह के साथ शशांक अवस्थी, न्यूज प्लस कानपुर। तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस। न्यूज प्लस 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करें, अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।